आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे और टाइम हो रहा है 7:30 इवनिंग का। मैं लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दिन भर मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अभी मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉग, तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में। तो चलो आप लोगों को किचन में लेके चलती हूँ। अनन्या को दीदी की नज़र हटी, दुर्घटना घटी। देखो फोन लेके बैठ गई है दीदी, किचन में है तो आराम से बैठी हुई। मेरा बैग यहाँ पे किसने रखा? और यहाँ पे दीदी मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स कूट के रख रही है। कूट के रख देंगे तो मम्मी को बहुत इजी हो जाएगा मिक्सर में ग्राइंड करना, जो कि वो नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद सारे मसाले दिए जाते हैं एक औरत को, तो वही दीदी सारे मतलब कूट के रख ले रही है। बाद में मम्मी सारे उसमें मसाले वगैरह जो रहता है डिलीवरी टाइम दिए जाते हैं, वो कम से कम आधा लीटर दूध में पीना ही चाहिए हर लेडीज़ को, नॉर्मल डिलीवरी वाले को। सीजर वालों को भी देते हैं लेकिन बाद में थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि दीदी का हुआ था मेरे सीजर से तो बहुत कम दिए थे और सूट नहीं हो पाता है। डिपेंड करता है किसको सूट होता है किसको नहीं। हमारे घर में सारे भाभियाँ दीदी इन लोग हैं तो हम लोग को बहुत कुछ आइडिया है ये सब चीज़ों का। मम्मी जब बना के देती है ना उन लोग को तो हम लोग देखते हैं तो पता चलता है। और मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। गाइस अनन्या अभी मार खाने वाली है, एक सीटी दे दी। ये देखो आ गई, इसको ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है। आरव मेरे को बोल रहा था कि बुआ आप कैसे करती हो मुझे भी सिखा दो ब्लॉगिंग करना। अभी पानी नहीं आ रहा, लाइट गई थी तो थोड़ा आंधी तूफान से थोड़ा आया था यहाँ पे, तो पानी नहीं आ रहा, लाइट चली गई थी, पानी नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर में आएगा पानी, तभी अभी साफ को वॉश करना पड़ेगा, 3-4 पानी से पानी रहेगा तभी हो ना। मैंने दाल रख दिया है, अभी राइस बनाना है। रोटी नहीं बन देगी, चली रोटी बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा रोटी बनाना पड़ेगा, मन नहीं करता बनाने का। तू दाल अभी तो हो जाएगा, दीदी बना लेगी 4-5 रोटी ना दीदी, टान के रख दूंगी मैं। देखो और ये देखो गावी को फोन देते तो खुश रहती, नहीं तो चिल्लाती है बाबू को गोदी में लेने के लिए। बाबू सो रहा है। और यहाँ पे मैं आटा लगाने के लिए मैंने रख दिया, फिर आटा लगा के रख दूंगी। एक सर में दाल भी हो गया है मेरा और फिर साग मैंने काट के रख लिया है, उसको भी तड़का दे दूंगी। क्योंकि हाँ पानी नहीं आ रहा था ना उस दिन, लाइट चली गई थी, वो बीपर जॉय का जो कहर छाया हुआ था ना इसका साइक्लोन का, उसी के वजह से थोड़ा मौसम ख़राब था। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ पे भी आंधी उंधी थोड़ी चली थी और इसलिए भी पानी नहीं आया था। पानी आ गया तो फिर मैंने वॉश कर लिया, लाइट चली गई थी इसलिए पानी भी नहीं टंकी में नहीं भर पाता, फिर लाइट आ गई तो फिर पानी भी आ गया, फिर मैंने साग को भी धो लिया था जिससे अब मैं वहाँ पर तड़का लगा रही हूँ। और एक साइड में मेरा दाल भी हो गया है, फिर दाल निकाल दूंगी। दाल सब अलग अलग रखना पड़ता है, सावी और मम्मी और मेरी भाभी को सादा दाल देते हैं क्योंकि उन लोग को, सावी को तो सादा दाल ही खाती है छोटी है तो, और मम्मी और मेरी भाभी दाल पीते हैं। इस टाइम पे दाल पीना ही बहुत ज़रूरी है। देखो तूफान आ रहा है, देखो कितनी तेज तेज सी हवा चल रही है। ये देखो ये वाला पेड़ देखो कैसे चल रहा है, जोर जोर से आवाज आ रही है। शाम को भी ऐसे हुआ था। और फिर बस वही खाना पीना बना के फिर खाएंगे, वही डेली का है। लेकिन अभी थोड़ा काम बढ़ जाता है, लेकिन घर में ज़्यादा मेंबर रहते तो काम बढ़ जाता है, तो इतना लोड भी नहीं पड़ता है, बस मज़ा आ जाता है काम करने में भी, हर चीज़ हो जाता है इजी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आलू फ्राई करूँगी, फिर उसके अंदर मैं साग डालूँगी। इसमें तो साग में तो आलू बैंगन टमाटर ये सब भी डालती हूँ, लेकिन मेरे घर पे सबको नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं डालती हूँ, इसलिए सिर्फ आलू और साग। यही साग में पालक सोया यही सब मैंने, सोया नहीं था सिर्फ पालक था, तो पालक आलू मैंने बनाया। उसके बाद फिर वही है सबको खिलाना है। और ऑफिस भी नहीं जा पाई थी और उस दिन मेरा टेंडर का अर्जेंट काम था तो वो भी करना था, तो फिर थोड़ा सा लोड हो जाता है कभी कभी। वैसे तो छुट्टी लेने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब टेंडर का काम रहता है ना, अभी मुझे कॉरपोरेट से निकाल के अभी मेरा प्रमोशन कर दिया है गवर्नमेंट वाले में,
तो गवर्नमेंट के टेंडर सारे मुझे करने पड़ते हैं, तो वो डेट वाइज रहता है, इस डेट का है तो सारे प्रिपरेशन पहले से करने पड़ते हैं, जो कि उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है सब करना बहुत हार्ड है, और सामने वाला रिप्लाई करे जल्दी से, क्योंकि सारे ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर से सारा डिटेल लेना पड़ता है, तो सामने वाला मतलब जो प्रोसेस है ना बहुत लेंदी है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन सामने वाला रिप्लाई करता है अच्छे से तो काम जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे टीवी भी चालू है और दाल भी मैंने सब अलग करके रख दिया है और राइस भी रख दिया है मैंने, अब दाल को तड़का लगा रही हूँ। आजकल मैं दाल में ही ये डाल देती हूँ टमाटर, तो फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, इजीली जल्दी से हो जाता है, अच्छा भी लगता है, और लहसुन प्याज जीरा से तड़का लगा देती हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा मतलब लहसुन को थोड़ा और भून लेने का ऑयल में तो अच्छा लगता है खाने में, बस मेरी दीदी को नहीं पसंद लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लहसुन थोड़ा जल जला सा हो जाता है ना तो अच्छा लगता है, जल जला सा मतलब जला हुआ और थोड़ा ब्राउन ज़्यादा हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे रोटी बनाना है, रोटी दीदी बनाएगी ऐसा मैंने बोला था लेकिन मुझे याद नहीं किसने बनाया था, पता नहीं किसने बनाया था। और यहाँ पे मिठाई समारंभ जो है वो चल ही रहा है, ये देखिए मिठाई के सारे डब्बे हैं और मेरी सिस्टर मम्मी जा रहे बिल्डिंग में सबको मिठाई बांटने। जब से बाबू आया है दोनों बहनें हैं घमासान की रहती हैं, गोदी में दो उसको सोने नहीं देती हैं, परेशान करती है, दूध पीने देती है सावी तो किसी को छूने नहीं देती है, जब सावी नहीं रहेगी तब तक खिलाओ नहीं तो वो बोलेगी मेरे गोदी में दो, और अनन्या बोलेगी मुझे चाहिए, दोनों लड़ती रहती है। बाबू मस्त सोया रहता अपना, दिन में भी सोता है रात में भी सोता है, पता नहीं चलता घर में बच्चा है छोटा, इन लोग से मतलब ये लोग डेंजर है ना इतनी, इसलिए वो शांत हुआ है कि इन लोगों को संभाल रहा हूँ मैं तो संभल जाऊँगा मैं शांत हूँ ऐसा करके वो। और यहाँ पे मेरा अर्जेंट काम था, एक टेंडर सबमिट करना था, तो बाकी डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने ऑफिस में ही कर लिया था और टेंडर सबमिट कर दिया था मैंने, उसके बाद से मैंने लैपटॉप एक दिन सिर्फ लैपटॉप खोला, दो दिन खोला था उसके बाद से मैंने लैपटॉप खोला ही नहीं। तो मिठाई तो सबको बढ़ गई है, आप लोग भी खा लो थोड़ा मिठाई, और मैंने भी खाया, ऑफिस भी मैं लेकर गई थी मिठाई खोया वाला, सावी का भी जब बर्थ हुआ तभी भी सब मिठाई बांटे थे, हमारे घर में ऐसा नहीं है लड़का लड़की का कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है, तो अभी क्या ही है लड़का लड़की आजकल कौन देखता ही है इतना, लड़कियों को अच्छे से पढ़ाओ तो लड़कों से भी ज़्यादा अच्छा काम कर लेती है। रोटी बना दी आप सब खाएंगे, मुझे तो अभी भूख नहीं लगी मैं बाद में खाऊंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगता है, वीडियो लाइक करके ही जाना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना। हाँ।